रेडियो मिर्ची की तरफ से पहली बार एक नया अवार्ड है एंड विदाउट एनी नॉमिनेशंस और डिस्कशंस द अवार्ड गोज टू द रीमिक्स ऑफ श्री अमिताभ बच्चन. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. रेडियो मिर्ची का आभार. क्षमा चाहता हूं, आने में थोड़ा सा विलंब हो गया. और मैं बधाई देना चाहूंगा उन तमाम सिंगर्स को जिन्होंने 2.5 मिनट के गाने के लिए 3-3 मिनट स्पीच दी. कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन सिंगर्स की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में मेहनत का फल तीखा होता है. मिर्ची अवार्ड जो मिलता है उनको जोरदार तालियां मिर्ची अवार्ड के लिए. आजकल के चलते गीतों के चक्कर में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुननी पड़ेंगी आपको. कविता का शीर्षक है गीतों का शहर. वो डंडे वाला माइक है क्या? टीवी पे आएगा, थोड़ा शोशा तो लगना चाहिए भाई. तो कविता प्रस्तुत कर रहा हूं गीतों का शहर. एक शाम मैं गीतों के शहर गया, एक गीत मिला जिसके बदन पे नहीं कोई वस्त्र थे, किंतु उसके चर्चे यत्र तत्र सर्वत्र थे. मैंने पूछा, हिट होकर भी बिना कपड़ों के क्या हुआ बताएगा? उसने कहा, नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेकर जाएगा. अभी मुझे मिले कुछ टहलते ढीठ अकेले शब्द, गीतों के वेश में वो शब्द थे उपलब्ध. मैंने पूछा, गीतों के शहर में अकेले शब्दों की क्या माने हैं? उन्होंने कहा, हम अकेले शब्द नहीं, हम बादशाह के गाने हैं. बल्कि पागल है, 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 पागल है. मैं आगे बढ़ा तो कुछ पुराने गीत मिले, बदला रूप, गॉगल्स पहने, गले में चैन, कई मिलियन हिट मिले. वो बोले, हम उस जमाने में सिर्फ चौके थे, आज हम 6 हैं. हम नए गीत नहीं, हम तो रिमिक्स हैं. मैंने पूछा, नए वस्त्रों में तुम्हें डाल के यहां कौन लाया है? वो बोले, हमें तो कॉल आया था, हमें तो भूषण कुमार जी ने बुलाया है. अगले मोड़ पे एक तरोताजा हिट गीत मिला. मैंने कहा, बेटा तुम बड़े अच्छे हो, लग रहे बड़े सच्चे हो, तुम्हारे पापा कौन थे? वो गर्व से बोले, हम 2 बाप की औलाद है, हम विशाल शेखर के सॉन्ग हैं. यहां मीत ब्रदर्स भी बैठे हुए हैं, इनके गाने भी 2 बाप की औलाद है. मैंने देखा कुछ गाने मदिरा पीकर गोवा के बीच पर पड़े थे. Are you understanding what I'm saying? Not a word. बहुत बहुत धन्यवाद. पर स्माइल आप फिर भी बिखेर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. सेंस ऑफ द स्माइल, इनका रिएक्शन सबसे अच्छा चल रहा है, ऐसा जैसा सब समझ में आ रहा है इनको. कोई बात नहीं, आपके भी 4-5 गाने हम इंस्पायर हो जाएंगे. देखिए सर, मैंने देखा कुछ गाने मदिरा पीकर गोवा के बीच पर पड़े थे, ट्रेंडिंग लिस्ट में 1 जाने के लिए अड़े थे. उन गानों के हुजूम ने बताया, वो सब एक ही परिवार के तराने हैं. 1 की लड़ाई इसलिए है क्योंकि सारे नेहा कक्कड़ के गाने. मैं आगे गया तो कुछ गीत बिना वजह रो रहे थे. बिस्तर पे तकिए 2 थे लेकिन अकेले सो रहे थे. किसी ने बताया कि रोने की कोई बात नहीं, इनके फालतू के बहाने हैं, बिना रोए चलते नहीं, ये अरिजीत के गाने हैं. खैर, जिस अवार्ड के लिए बुलाया गया था मुझे यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि कोई सज्जन आए और मुझे ये जो रिमिक्स का अवार्ड है मुझे दें. कोई हैं सज्जन यहाँ पर? आप अवार्ड बनाने वाले हैं कि लाने वाले हैं? कम से कम लड़की तो भेज देते भाई. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया.
ये रिमिक्स अवार्ड को सोने की जाली टोपी पहनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी यहाँ पर रेडियो मिर्ची के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अवार्ड आप दे के भेज देते हैं, साथ में कुछ थैली वैली भी दीजिए कीजिए ताकि लेके जा सकें इसको, ऐसा हाथ में उठा के आदमी ऐसा चलता रहता। अगर थैली वैली नहीं दे सकते तो टांगने के लिए कोई चीज़ दे दीजिए, कि ऐसा कुछ चीज़ दीजिए जिसमें ऐसा टांग के आप इसको आराम से 5 रुपए का है ऐसे लेके जा सकें।